हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग अफेयर्स पर। दोस्तों, ये बात तो सभी मानते हैं कि पिछले काफी समय से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गाइडेंस के अंडर इंडिया ने काफी प्रोग्रेस किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम शुरू किए हैं जिससे इंडिया सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के पाथ पर गया है। पिछले कुछ समय से इंडिया के प्रोग्रेस को देखते हुए इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री बन गया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री का टाइटल ले लेगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के किए गए एफर्ट्स सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी फेमस है। इसी के चलते हाल ही में पाकिस्तान के भी एक लीडिंग न्यूज़पेपर पाकिस्तान डेली ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के एफर्ट्स को रिकॉग्निशन देते हुए उनके साथ साथ इंडिया को भी प्रेज किया। इसकी डिटेल में बात करें तो इस पाकिस्तान डेली ने इंडिया और इंडिया के लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को एक ऐसे पॉइंट पर ला दिया है जहां इंडिया अपने इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट से एक वाइडर नेट कास्ट करता है। इसके अलावा उसमें पीएम मोदी की लीडरशिप के अंडर इंडिया के एक्सपैंडिंग ग्लोबल फुटप्रिंट्स और वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के ग्रोइंग साइज की भी बात की गई। डेली में लिखी गई स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें कहा गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिया को स्किलफुली ट्रीट करती है और इंडिया की जीडीपी भी $3 trillion से ज्यादा ग्रो हो गई है। इंडिया के प्रोग्रेस को एक मॉन्यूमेंटल प्रोग्रेस बोलते हुए शहजाद चौधरी, जो कि एक नोटेड पॉलिटिकल सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हुए इंडिया को सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बताया। इसके अलावा राइटर ने ये भी लिखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की चेयरमैनशिप के अंडर इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर अपना ही एक डोमेन एस्टैब्लिश किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया को आगे प्रेस करते हुए चौधरी ने कहा कि इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और आईटी इंडस्ट्री में भी एक काफी बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया और इंडिया के पीएम मोदी की प्रेस को जारी रखते हुए मिस्टर चौधरी ने अपने कॉलम में लिखा कि इंडिया की पर एकर यील्ड्स वर्ल्ड की बेस्ट यील्ड से कंपेरेबल है, और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया की रिलेटिवली स्टेडी कोहेरेंट और फंक्शनल पॉलिटी रहती है। इसके अलावा राइटर ने डेटा को बताते हुए अपने कॉलम में ये भी लिखा कि इंडिया के गवर्नेंस के सिस्टम ने टेस्ट ऑफ टाइम को पास किया है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए चौधरी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को ब्रांड करने के लिए ऐसी चीजें की हैं जो उनसे पहले कोई नहीं कर सकता था। ये कोई पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। इससे पहले भी कुछ महीने पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए प्रेजिंग स्टेटमेंट्स दी थी। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है जरूर बताइए, और ऐसी नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।